उधर पंजाब में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है, तेजी से पैर पसारा है, जहां 24 घंटे में कोरोना के 4,622 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद से कुल संक्रमितों की संख्या 3,04,000 के पार पहुंच चुकी है। तो वहीं 2,61,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी, लेकिन अभी भी पंजाब में 35,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद है। एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, संक्रमणों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। चिंता की बात यह है कि ये स्ट्रेन जो है युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि केंद्र ने मंजूरी दी है 1 मई से वैक्सीनेशन के तीसरा अभियान का आगाज होगा और 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही अभी भी लोगों से की तरफ से देखने को मिल रही है और सिस्टम जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं अभी भी पूरी तरीके से गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनप्रीत चहल रोपड़ से जुड़े हैं। मनप्रीत, जालंधर में तो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली है, हालांकि सीएम कैप्टन ने कल ही केंद्र से अपील की थी कि ऑक्सीजन और वैक्सीन जो है मुहैया करवाया जाए। रोपड़ में फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? जी, कल हमने इस बाबत सीएम से बात की थी तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे भी 3 दिन की वैक्सीनेशन बची हुई है, जो बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना के केस इस समय पंजाब में नजर आ रहे हैं और खास करके अगर बात की जाए रोपड़ में नजर आ रहे हैं, तो वो ये बहुत ही चिंताजनक की बात है। ठीक है, अब बीते दिन जिस हिसाब से आप कह रहे थे कि लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग जो है अभी भी गंभीर नजर नहीं आ रहे, फिलहाल क्या लोगों की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? जो बुजुर्ग है, जो एलिजिबल है, क्या वो वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं मेडिकल कैंप्स के लिए? बुजुर्ग जरूर पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए, लेकिन जो नौजवान वर्ग है वो अभी थोड़ा भी ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है वैक्सीनेशन करवाने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया में तरह तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही थी वैक्सीनेशन के लिए। इस बाबत युवाओं में थोड़ी सी अभी भी दूरी बना रखी हुई है वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो जरूर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और उनकी रफ्तार भी ज्यादा तेज है इस बार। ये स्ट्रेन जो नया स्ट्रेन है सबसे ज्यादा युवाओं को चपेट में ले रहा है और युवाओं के लिए जो वैक्सीनेशन का अभियान है वो 1 मई से आगाज होना है इसका अभियान, लेकिन ये चिंता की बात है कि युवा जो है अभी भी सजग नहीं है। हालांकि सीएम कैप्टन और केंद्र की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि युवाओं से अपील की जा रही है कि वो सजग रहे, क्योंकि युवा के ऊपर जो है एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये चिंता का विषय है। क्या वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन्हें जागरूक नहीं किया जा रहा है? हालांकि पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है और जागरूक भी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूक जरूर किया जा रहा है लोगों को, लेकिन अगर बात की जाए युवाओं की तो युवा धीरे धीरे इसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं आ रहे जितनी बड़ी संख्या वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अब बिल्कुल ये बात जरूर है कि जो नया स्ट्रेन आया उसका ज्यादा प्रभाव युवाओं पर पड़ रहा है, जबकि हमारे का जो पहला स्ट्रेन था वो थोड़ा बुजुर्ग लोगों के ऊपर ज्यादा प्रभाव डाल रहा था, लेकिन जब से जो युवा की कुछ लोगों की मौत हुई है उसके बाद थोड़ा सा युवाओं में भी इसका खौफ नजर आ रहा है, तो धीरे धीरे प्रशासन की कयास रहने के बाद वो युवा भी इस तरफ वैक्सीनेशन की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो है रोपड़ में क्या स्थिति है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? हालांकि सीएम कैप्टन ने कहा था कि वैक्सीनेशन में जो है गति लाई जाए और टेस्टिंग में भी गति लाने की बात कही थी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टेस्टिंग की गति में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी की गई है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक मोबाइल वैन शहर में डिप्लॉय कर दी गई है, जो जगह जगह पे जाके लोगों को टेस्ट करवा रहे, क्योंकि लोगों में झिझक है पहले टेस्ट करवाने के लिए, जो लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं या रैंडम सैंपलिंग की जा रही है यहाँ पे, ताकि जो कोरोना महामारी का प्रकोप है जो साइलेंटली बढ़ रहा है उसको रोका जा सके, और उसके साथ ही वैक्सीनेशन के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मंत्री चहल। तो ये एक चिंता की बात है, युवा जो है